हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अवर फर्स्ट लेसन दैट इज अ नेम ऑफ आवर चैप्टर अ लेसन इन काइंडनेस अ लेसन मीन्स सबक किसका सबक काइंडनेस का काइंड मीन्स दया दयालुता इट मींस इट मीन्स काइंडनेस इट द मीनिंग ऑफ अवर लेसन दयालुता का सबक अभी इस स्टोरी में हमें एक बॉय है जो एक पुअर एनिमल के साथ बैडली बिहेव कर रहा है और बैडली बिहेव करने की वजह से उसको एक मैन ने उसको सबक दिया है कि किस तरह से एनिमल्स के साथ बिहेव करना चाहिए नॉट ओनली एनिमल्स बट ऑल ऑफ अस हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए इसका इस लेसन में हमें एक सबक मिलता है सो लेटस वी विल स्टार्ट लेटस द स्टार्टर किट सी इफ यू हैव काइंडनेस ऑफ द हर्ट यू वेयर गॉड्स चाइल्ड ऑफ द बेस्ट सॉल्ट अगर आपके पास अच्छा दिल है अगर आपके पास दया का अच्छा दिल है तो आप गॉड के सबसे अच्छे चाइल्ड कहलाएंगे सबसे अच्छे बेस्ट कहलाएंगे अगर आपके पास अच्छा दिल है तो ओके सो इफ यू आर काइंड एंड लविंग ओदर्स अल्सो ऑदर्स विल बी काइंड एंड लविंग टू यू अगर हम किसी से अच्छा बिहेव करते हैं तो वह है आगे वाला आगे वाले जो भी हमारे फ्रेंड्स होते हैं लोग होते हैं वो भी हमारे साथ अच्छे से ही बिहेव करेंगे है ना बट डू यू नो वट ऑर्डर्स विल डू इफ़ यू आर अनकाइंड एंड हेटफुल क्या आपने कभी सोचा है अगर आपने किसी के साथ बुरा बर्ताव किया बुरे तरीके से आपने किसी के साथ बिहेव किया तो क्या वो लोग आपके साथ क्या करेंगे कभी सोचा है यस ऑल जस्ट वी इफ़ वी डू एनी थिंग रॉन्ग अल्सो वी गेट रोंग सिचुएशन ओके इट मीन्स अगर हम हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा ही होता है अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा इस तरह का ये लेसन हमें सिखाता है सो लेटे वी विल लर्न इट वॉज अ संडे मॉर्निंग मिस्टर रॉय वॉज सिटिंग इन हिज रूम ही वॉज रीडिंग अ न्यूज पेपर इन दिस लेसन इट वॉज अ संडे मॉर्निंग वह रविवार की सुबह थी ओके मिस्टर रॉय वॉज सिटिंग इन हिज रूम मिस्टर रॉय नाम के जो आदमी था मिस्टर रॉय नाम का जो पीपल थे वो क्या कर रहे थे वह अपनी रूम में बैठ के न्यूज रीड कर रहे थे ओके अभी वो जब अपनी रूम में बैठ के न्यूज पेपर रीड कर रहे थे, थे उसी टाइम सडनली अचानक से क्या हो गया सडनली मिस्टर रॉय लुक्ड आउट ऑफ द विंडो दियर वॉज अ बॉय इन द स्ट्रीट अचानक से उनका ध्यान कहाँ पे गया विंडो की तरफ गया और उस विंडो के बाहर उनको क्या दिखाई दिया एक बॉय दिखाई दिया जो कि रोड के ऊपर रोड के पास खड़ा था मतलब रोड से वह जा रहा था अचानक से उन्होंने विंडो के बाहर एक बॉय को देखा सो द बॉय हैड अ बैग स्लंग ओवर ही शोल्डर उसने एक बैग उसकी शोल्डर में अटकाई हुई थी ओके सो वह उसकी बैग को शोल्डर पे रख के जा रहा था हिट अ सैंडविच आउट ऑफ हिज बैग एंड बिगैन टू एट एट ओके उसने क्या किया उसके बैग में जो सैंडविच लाया था उसने उसे खाने के लिए वह सैंडविच उसने बाहर निकाला और वह खाने लगा ओके okay? जब वो वह सैंडविच खा रहा था तो उस टाइम क्या हुआ लेटर सी ऑन द नेक्स्ट पेज इन द स्ट्रीट देअर वॉज अ लिटल डॉग द डॉग सॉ द बॉय ईटिंग अ सैंडविच द बॉय शोड ईट टू द डॉग द डॉग स्टार्टेड वैगी इट्स टल इट मीन्स जब वो सैंडविच खा रहा था तो उसी रास्ते पे देयर वॉज अ लिटल डॉग वहाँ पर एक छोटा कुत्ता था कुत्ते का मतलब पपी था ओके सो द डॉग सॉ द बॉय इटिंग अ सैंडविच उस डॉग ने उस बॉय को देखा कि वह क्या कर रहा था सैंडविच खा रहा था द बॉय शोड इट टू द डॉग उस बॉय ने क्या किया उस बॉय ने भी देखा वहाँ पे एक कुत्ता है और उस कुत्ते ने भी इस बॉय को देखा था कि वह सैंडविच खा रहा था तो वो बॉय क्या करता है वह जो सैंडविच होता है वह उस कुत्ते को दिखाता है और बोलता है क्या तुझे ये चाहिए इस तरह से ओके द बॉय शोड इट टू द डॉग द डॉग स्टार्टेड वैगिंग इट्स टेल अभी क्या करता है जब वो बॉय उस सैंडविच को उस कुत्ते को दिखाता है तो वह कुत्ता क्या करता है वैगिंग इट्स टेल इट मीन्स मूविंग क्विकली अप एंड डाउन और फ्रॉम साइड टू साइड

डू यू वॉन्ट टू दिस सैंडच क्या तुझे ये सैंडविच चाहिए इस तरह से वह बॉय उस डॉग को बोलता है सो लेटस सी ही द लिटल डॉग वॉज हंग्री वह छोटा जो पपी था जो छोटा चो, कुत्ता था वह बहुत हंग्री था मतलब उसे भी बहुत भूख लगी थी इट केम्स इट केम क्लोज टू द बॉय वह उस बॉय के बहुत पास आ गया एंड इट सेट डाउन ऑन इट्स हैंड लेग अभी देखो यहाँ पे जो ये कुत्ता था उसको भी बहुत भूख लगी थी इसलिए वो क्या हो गया उस बॉय के बहुत पास आके वो इस तरह से बैठ गया हैंड लेग मीन्स उसके लेग को फोल्ड करके वो उसके पास बैठ गया दैट टाइम इट ओपन इट्स माउथ फॉर द सैंडविच उसने क्या किया उस कुत्ते ने उसका माउथ ओपन किया वो सैंडविच लेने के लिए क्योंकि उसे भी लगा कि यह बॉय अभी मुझे सैंडविच देगा मुझे तो बहुत भूख लगी है और मैं यहाँ पे बैठा हूँ खाने के लिए अभी वो मेरे वह सैंडविच मेरे मुंह में देगा ऐसे सोच के वह वहाँ पे जाके बैठ गया बट द बॉय डिडेंट गिव द डॉग एनीथिंग टू ईट अभी इस कुत्ते ने क्या होप्स किया है उस उसको लगा कि यह सैंडविच मुझे देगा इस थिंकिंग uh, से वह वहाँ पे बैठ गया पर ये जो बॉय होता है ना वो बहुत क्रूल होता है तो वो क्या करता है देखो द बॉय डिडेंट गिव द डॉग एनीथिंग टू ईट वह बॉय उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं देता है बट इनस्टेड ही गेव द पोअर एनिमल अ हार्ड केक इन द बेली बेली मीन्स स्टोमक ओके वह क्या करता है वह बॉय उस कुत्ते को खाने को तो नहीं देता है बट वह खाने को देने की बजाय वह उसकी एनिमल के उस कुत्ते के पेट पे लात मार देता है इट मीन्स ही गेव अ द पोअर एनिमल अ हार्ड केक इन द बेली वह बॉय उस कुत्ते के पेट पे जोर से एक लात मार देता है द लिटल डॉग एल्ड इन पेन उस वह उस डॉग को बहुत पेन होता है क्योंकि उसे ऑलरेडी भूख लगी थी और उसको खाने के लिए वह चाहिए था सैंडविच और उस बॉय ने उसको खाने के लिए दिया क्या नहीं दिया बल्कि उसने क्या किया उस कुत्ते के पेट पे जोर से लात मारी और उस लात मारने की वजह से उस भूखे कुत्ते का पेट में बहुत पेन होने लगा उसे बहुत दर्द होने लगा एंड इट रैन अवे फ्रॉम द बॉय वह कुत्ता वैसे ही उस पेन को लेके वह वहाँ से भाग गया उस बॉय से बहुत दूर जाके भाग गया ओके सो द बॉय बिगेन टू लाफ और यह सारी चीजें देखते हुए वह बॉय हंसने लगा उल्टा ओके okay? देखो यहाँ पे कितना यह बॉय क्रुएल है हाउ क्रूएल ही को खाने को नहीं दिया ऊपर से उसको लात मारी और जब वह कुत्ता जोर से चिल्लाने लगा इट मींस एल्पलिन मीन्स वॉट गिव अ शार्प क्राई ऑफ पेन जिस तरह से कुत्ते दुखी होने के बाद जिस तरह से वो क्राइंग करते हैं वह वर्ड यहाँ पे वो दिया है इट मीस अ लिटल डॉग एल्प इन पेन उसको बहुत पेन होने लगा था और वह कुत्ता वहाँ से भाग गया और यह सारी बातें देखते हुए उस बॉय को हंसी आई अभी इतना सारा कुछ हो रहा था तो ये सारी बातें जितनी भी अब तक हुई वो कौन देख रहा था मिस्टर रॉय जो उनकी रूम में बैठे बैठे पेपर रीडिंग करते करते वह विंडो के बाहर देख रहे थे कि ये बॉय इस पुअर एनिमल्स के साथ जो बोल नहीं सकते हैं उन एनिमल्स के साथ किस तरह से बिहेव करता है Is that right or wrong? Yes, this is totally wrong because these animals are very poor and they can't to, can't speak. They can't explain that uh, what they what do they want and what do not. Okay. Now let us see on the next page what will happen. Mr. Roy saw all this. I must teach this boy a lesson. He said to himself, Mr. Roy, jo unki room beta Sarah. दृश्य देख रहे थे कि जिस तरह किस तरह से वो बॉय उस पुअर एनिमल्स को बुलाता है उसको खाना देने की वजह उसके पेट पे लात मारता है ये सारी बातें वो उस अपनी अपनी घर के विंडो से बाहर देख रहे थे अब वो उस मिस्टर रॉय को भी उस बॉय का बहुत गुस्सा आया वो वो सोचने लगे कि कितना बुरा बॉय है ये कि वह कितना अनकाइंडली बिहेव कर रहा है उस पुअर एनिमल के साथ सो आई मस्ट टीच दिस बॉय अ लेसन ही सेड टू हिम सेल्फ ही मीन्स फू मिस्टर रॉय मिस्टर रॉय से टू हिमसेल्फ वह खुद खुद को सोचने लगे कि मुझे इस बॉय को मुझे इस लड़के को एक सबक देना ही होगा जिससे कि उस बॉय को समझ में आएगा कि पूर एनिमल के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए तो वह सोचते हैं कि अभी इस बॉय को मैं दिखाता हूँ उसको एक सबक दिलाता हूँ ऐसा सोचते हुए वो क्या करते हैं देखो मिस्टर रॉय गॉट अप एंड केम आउट इन टू द स्ट्रीट ही हैड अ स्टिक इन हिज हैंड he called out to the boy in a kindly tone. The boy at once came to Mr. Roy. It means, जैसे ही उन्होंने सोचा कि मुझे इस क्रूएल बॉय को अच्छा सबक देना ही चाहिए तो वह सोचने के बाद वो उसी टाइम वहाँ से उठ गए उस चेयर पे जो वो रीडिंग कर रहे थे ना वो मिस्टर रॉय वहाँ से उठ गए और रोड पे आ गए अपने घर के बाहर रास्ते पे जहाँ पे ये सारा दृश्य हो रहा था वहां पर वो आ गए एंड ही हैड अ स्टिकज हैंड उनके हैंड में उसने उन्होंने क्या किया था मिस्टर रॉय ने एक स्टिक लेके आए किस लिए लाया होगा क्योंकि इस बच्चे को सबक सिखाना था सो ही हैड अ स्टिक इन हीज हैंड ही कॉल्ड आउट टू बॉय इन अ काइंडली टोन उन्होंने क्या किया स्टिक लेके घर के बाहर आए और उस बॉय को कॉल किया कि उस बॉय को बुलाया कि काइंडली बुलाया बहुत प्यार से उस बच्चे को अपने पास बुला लिया द बॉय एट वॉन्स केम टू मिस्टर रॉय जैसे ही उस मिस्टर रॉय ने उस बॉय को बुलाया तो वह बॉय भी वह लड़का भी उस मिस्टर रॉय के पास आ गया सो लेट अस सी द नेक्स्ट तो देखो अभी मिस्टर रॉय किस तरह से उस बच्चे को सबक सिखाते हैं मिस्टर रॉय टुक आउट फ्रॉम हिज पॉकेट अर्थिक चॉकलेट बार वो मिस्टर रॉय क्या करते हैं उनके पॉकेट में जो भी एक चॉकलेट थी वह चॉकलेट उनके पॉकेट में से बाहर निकालते हैं एंड ही शोड इट टू द बॉय एंड सेड ओ बॉय डू यू वॉन्ट दिस चॉकलेट बार तो वो क्या करते हैं उनके पॉकेट से एक चॉकलेट बड़ी सी चॉकलेट बाहर निकालते हैं और उस बॉय को दिखाते हैं और प्यार से बोलते हैं हे बॉय क्या आपको ये चॉकलेट चाहिए सो ऑन दैट टाइम यस प्लीज़ सेड द बॉय हैप्पीली वो बॉय क्या होता है उस चॉकलेट को देख के खुश हो जाता है और वो बोलता है यस आई वॉन्ट दिस चॉकलेट वो बोलता है yes, यस मुझे वो चॉकलेट चाहिए देन हैव इट सेड मिस्टर रॉय तो वह मिस्टर रॉय बोलते हैं कि तो फिर लो ना ये चॉकलेट लो आप आओ इधर और चॉकलेट लेके जाओ इस तरह से वो उसको बोलते हैं द बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड फॉर द चॉकलेट बार बॉय ने क्या किया उसका हैंड रेज किया है उसका हैंड ऐसे स्ट्रेच किया कि मुझे चॉकलेट दो इस तरह से हैंड उन्होंने उसने आगे करके उस मिस्टर रॉय के सामने हाथ फैला दिया ओके बट मिस्टर रॉय पुट इट बैक इन टू हिज पॉकेट एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग द बॉय एनी चॉकलेट ही गेव हिम अ शार्प ब्लो विथ हिज स्टिक अभी उन्होंने क्या किया देखो यहाँ पे जिस जिस तरह से उस बॉय ने उस कुत्ते के साथ बिहेव किया था ठीक उसी तरह से मिस्टर रॉय ने भी उस बॉय को सबक सिखाने के लिए यहाँ पे वह चॉकलेट उसको देने की वजह पे देने की जगह पे उल्टा उन्होंने क्या किया है उन्होंने पहले तो उसको बोला आपको तुझे चॉकलेट चाहिए तो वो बॉय क्या बोला वो लड़का बोला हाँ मुझे चॉकलेट चाहिए तो उस लड़के ने उस चॉकलेट लेने के लिए हाथ आगे किए जैसे ही उस लड़के ने हाथ आगे किए तो उस मिस्टर रॉय ने वह चॉकलेट अपने पॉकेट में वापस रख दी उस बॉय को दी क्या नहीं दी उल्टा क्या किया वह चॉकलेट अपने पॉकेट में रख दी और उनके हैंड में जो स्टिक थी ना वह स्टिक उसके हैंड में जोर से मार दी मतलब उस उन्होंने जो स्टिक लाई थी उस स्टिक से उसके हैंड पे उन्होंने एक जोर से मार दी ओके सो व्हाट विल हैपन द नेक्स्ट सी ऑन द नेक्स्ट पेज जैसे ही उस बॉय को एक स्टिक से मार दिया तो उस टाइम द बॉय क्राइड इन पेन वाई डिड यू हिट मी ही आस्क द जैसे ही उन्होंने मिस्टर रॉय ने उसको मार दिया हाथों पे तो वह बॉय बहुत गुस्सा हो गया वह रोने लगा और उसको बहुत पेन हो रहा था ना क्योंकि उन्होंने उसके हैंड पे मारा था इसलिए उसके हैंड पे, हैंड को बहुत पेन हो रहा था वो और वो गुस्सा हो गया और गुस्से में बोलने लगा कि आपने मुझे क्यों मारा वाई डिड यू हिट मी इस तरह से वो बॉय उस मिस्टर रॉय को बोलते हैं बोलता है सो आई डिडेंट आस्क यू फॉर यूर चॉकलेट मैंने तो आप वो बॉय क्या बोलता है आपने मुझे क्यों मारा मैंने तो आपको चॉकलेट के लिए नहीं बोला था कि मुझे चॉकलेट दो तो फिर आपने ऐसा क्यों किया इस तरह से वो बॉय उस अंकल को क्वेश्चनिंग करता है सो लेट अस सी नेक्स्ट लाइन एंड दैट लिटिल डॉग डिडंट आस्क यू फॉर योर सैंडविच सेड मिस्टर रॉय देन वाई डिड यू हिट हीट इट सो जिस तरह से अभी यहाँ पे इसको पेन हो रहा है उस चॉकलेट की वजह से ये इसने तो इसे चॉकलेट नहीं मांगी थी पर फिर भी इन्होंने इसने चॉकलेट के लिए हाथ आगे किए और चॉकलेट की वजह पे उसने क्या लिया मार लिया एक डंडे का मार लिया और वह उसको गुस्सा आया तो उसने बोला कि मुझे मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया तो मिस्टर राय रिप्लाई करते हैं आंसर देते हैं कि वह जो लिटिल डॉग था उस डॉग को भी तो, तो सैंडविच नहीं चाहिए था क्या उसने तुझे बोला था कि मुझे सैंडविच दो नहीं बोला था ना वो तो पुअर एनिमल है वो बोल भी नहीं सकता है फिर भी तूने उसके साथ किस तरह से बिहेव किया एक तो उसने उसको तूने खुद से बुलाया कि सैंडविच चाहिए क्या और ऊपर से उसको सैंडविच तो दिया नहीं बल्कि उसके भूखे पेट पे लात मारी क्या दिस इज अ राइट इट इज दैट राइट इस तरह से वो मिस्टर रॉय उस बॉय से बोलते हैं कि जो तूने किया क्या वो सही था द बॉय हंग हिज हेड इन शेम ही वॉज सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन दिज वेयर टीयर्स इन हिज आईज देयर वेयर टीयर्स इन हिज आईज इट मीन्स अभी जो सिचुएशन हो गई जो कंडीशन अभी हो गई कि जिस तरह से उसने कुत्ते के साथ बिहेव किया उसी तरह से इस मिस्टर रॉय ने हम मेरे साथ भी बिहेव किया ये जैसे ही उसने सोचा तो उसका जो हेड था वो शेम से नीचे झुक गया मतलब उसको खुद की शर्म आने लगी कि किस तरह से मैंने इसे बैड बिहेव किया उस लिटिल डॉग के साथ ही वॉज सॉरी फॉर वट ही हैड डन उसने उसने जो आ, मतलब बैड वर्क किया उसने जो बैड फील वर्क किया था उसके दिए उस मिस्टर रॉय की उसने माफ़ी मांगी एंड दियर वेयर टेयर सीन इज आइज उसके आइज़ में क्या हो गया पानी आ गया मतलब उसको अभी फील हुआ कि सच में मैंने कितना बुरा बर्ताव किया था उस लिटिल डॉग के साथ और उसको उसकी खुद की शर्म आने लगी और उसने उस अंकल को सॉरी बोल दिया डेट द ब्लो हर्ट यू आस्क मिस्टर रॉय मिस्टर रॉय ने उसे पूछा क्या सच में तुझे हर्ट हो रहा है यस अंकल इट हर्ट मी सो मच तो वह बॉय बोलता है कि सच अंकल सच में अंकल मुझे बहुत हर्ट हो रहा है मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि सच में मैंने उस लिटिल पुअर डॉग के साथ बर, बुरा बर्ताव किया ओके सो नाउ यू नो वट पेन यू गेव टू दैट लिटल एनिमल अभी तुझे समझ में आया होगा कि उस लिटल पुअर एनिमल को तूने कितना आ, पेन दिया कितना दुख दिया ओके फॉर यू मी अंकल सेट द बॉय उस बॉय ने बोला क्षमा करो मुझे अंकल मैं इसके आगे मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा आई शैल नेवर डू दैट अगेन मैंने जो किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ मुझे माफ कर दो और इसके आगे मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा इस तरह से वह लड़का उस अंकल से बोल रहा है गुड एंड यू मस्ट रिमेंबर दिस सेड मिस्टर रॉय डोंट बी क्रूअल टू लिटल बर्ड्स एंड एनिमल्स दे टू फील पेन लाइक अस तो मिस्टर रॉय बोलते हैं कि आ, अच्छी बात है कि तुझे अभी समझ में आया कि तूने क्या किया सो so, इसके आगे भी वैसे कभी बिहेव मत करना हमेशा हर एनिमल्स की और बर्ड्स की केयर करना चाहिए डोंट बी क्रूएल एनिमल्स और बर्ड्स के साथ कभी भी बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए उनको भी हमारे जैसा पेन होता है जिस तरह से हमें दर्द होता है ना उसी तरह से एनिमल्स को भी होता है दे आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स दे हैव ऑल्सो फीलिंग्स सो डोंट डू दिस टू दिस लिटल एनिमल्स ओके इस तरह से उन्होंने उस बॉय को समझा दिया अच्छे से सी ऑन द नेक्स्ट पेज हियर आई प्रोमिस अंकल सेड द बॉय उस बॉय ने क्या किया उस अंकल से प्रॉमिस किया कि मैं आगे से ऐसा किसी भी एनिमल्स के साथ या फिर किसी भी बर्ड्स के साथ ऐसा बुरा बर्ताव नहीं करूँगा इस तरह से उन्होंने उसने उस अंकल से प्रोमिस किया गॉड मेड ऑल थिंग्स बिग एंड स्मॉल लव गॉड्स थिंग्स एंड गुड गॉड विल लव यू शेड मिस्टर रॉय अभी मिस्टर रॉय देखो उससे क्या बोलते हैं गॉड मेड ऑल थिंग्स ये जो गॉड है ना हमारा जो भगवान है ना उस भगवान ने ये सारी चीज़ें बनाई है कुछ चीज़ें बिग है कुछ चीज़ें स्मॉल है कुछ बड़े हैं तो कुछ छोटे हैं नो प्रॉब्लम अबाउट दैट बट लव गॉड्स थिंग जो जो भी भगवान ने बनाए हैं उस भगवान की बनाई हुई सारी चीज़ों पे हमें प्यार करना चाहिए उन सब से अच्छे से अच्छा बिहेव करना चाहिए उसके बाद ही हमें हमारे साथ भी हमारा गॉड अच्छा बिहेव करेगा है ना अगर हम गॉड ने बनाई हुई सारी चीज़ों के साथ या फिर सारे बर्ड्स एनिमल्स के साथ अगर बुरा बर्ताव करेंगे तो क्या गॉड हमें माफ़ करेगा नहीं गॉड भी हमारे साथ वैसे ही बिहेव करेगा जिससे जैसे हमने उन एनिमल्स के साथ किया है इसीलिए वी शुड केयर अबाउट ऑफ दैट एनिमल्स सेड मिस्टर रॉय टू दिस बॉय सो द बॉय फोल्डेड हिज हैंड्स इन रिस्पेक्ट एंड वेंट अवे बॉय ने क्या किया उनको नमस्कार किया और वो वहाँ से चला गया मिस्टर रॉय वॉकड बैक इन टू हिज हाउस मिस्टर रॉय भी उनके हाउस की तरफ चले गए बट ऑन दैट टाइम ही वॉज स्माइलिंग जब वो मिस्टर रॉय वहाँ से जा रहे थे तो उनके चेहरे पे हंसी आ रही थी मतलब वो हंस रहे थे क्यों क्योंकि उन्होंने उस बच्चे को अच्छे से सबक सिखाया था कि किस तरह से पुअर एनिमल्स के साथ या फिर बर्ड्स के साथ बिहेव करना चाहिए ओके अगर इस लेसन में हम ऐसे सीखते हैं कि बच्चों अगर हम किसी के भी साथ एनिमल्स हो बर्ड्स हो या फिर कोई भी हमारे फ्रेंड्स हो पीपल्स हो अगर हम हम उनके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं अच्छे से बर्ताव करते हैं तो गॉड भी हमारे साथ अच्छे से बर्ताव करता है अच्छा बिहेव करता है अगर हम ही उनकी केयर नहीं लेते हैं तो गॉड भी हमारी केयर नहीं लेता है इट मीन्स वी शुड रिस्पेक्ट ऑल एनिमल्स वी शुड टेक केयर अबाउट ऑल द एनिमल्स सो दैट गॉड ऑल्सो टेक केयर अबाउट अस ओके स्टूडेंट्स होप्स यू अंडरस्टैंड अवर लेसन दैट इज अ वेरी गुड लेसन फॉर अ kindness a lesson in kindness so we shall stop here thank you